तो गाइस वीडियो एंड तक देखना, बहुत अच्छी वीडियो यार। अभिषेक कितना मजा है यार, आज कॉलेज में गाड़ी लेके गए। ऐसा करते कल भी लेके चलेंगे। अबे साले गाड़ी सही से चढ़ाना, अभी पापा डांटेंगे, अभी देखना। चल तू गौरव अंदर, पापा वैसे भी डांटेंगे, बिना बताए गाड़ी लेके गए थे ना हम आज। तो आ गए लार सब, चला ली गाड़ी, कर ली ऐश कॉलेज में। बाप की गाड़ी लेके गए, सालों काम पे भी नहीं गया मैं आज, मील का काम अधूरा रह गया। कैसे लेके चले गए तुम गाड़ी बिना बताए? सॉरी पापा, आइंदा से नहीं ले जाएंगे। सॉरी सॉरी, लेट हो गए थे इसलिए लेके गए थे पापा, सॉरी। नहीं बेटा, सॉरी से काम नहीं चलेगा, एक एक गुस्सा तो खाना पड़ेगा, तभी तुम में अकल आएगी। और समझा कर रखो अपनी औलाद को, ज्यादा सिर पे मत चढ़ाओ इन गधों को, कुछ काम के नहीं है ये। अब आप भी क्या बच्चों के पीछे पड़ गए? आपको काम पे जाना था ना कहीं, वहां जाइए ना, छोड़िए बच्चों को, बच्चे हैं ये तो। ज्यादा तरफदारी भी मत करो इन गधों की, सिर पे चढ़ जाएंगे। जा रहा हूं मैं मिल, शाम को लेट आऊंगा। सुन लिया ना तुम्हारे पापा ने क्या बोला? आइंदा से गाड़ी लेके गए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना? अरे मम्मी यार, अब आप भी शुरू हो गए, जाओ ना यार, हमें टीवी देखने दो। वैसे भी पापा भी माथा खाते हैं, अब आप भी शुरू हो गए। गौरव यार, पिक्चर मस्त नहीं आ रही कोई, हॉलीवुड ऐसा करते हैं, ऊपर चल के फ्री फायर खेलते हैं ना, ठीक है? तो फिर देर किस बात की, आ जाओ ऊपर खेलते हैं फ्री फायर, लगाते हैं 2-3 बज्जी, मारते हैं 3-4 बुइया, लगाएंगे 2-3 बज्जी, मारेंगे 3-4 बुइया, 2 वर्सेस स्क्वाड खेलेंगे, है ना? अबे अभिषेक जल्दी आना यार, प्लस कर मुझे, वो मार देगा पूरा मुझे। अबे जल्दी ग्लोबल लगा, प्लस करना साले, तुझे नहीं बचाऊंगा मैं फिर बाद में, कभी जरूरत पड़ी तो। जल्दी जल्दी आ यार, वो मार देगा मेरे को। गुरु चुप हो जाना, एक ही तो बंदा है सामने, मैं मार दूंगा यार उसे, बुया कर लेंगे। ये मार दिया, ओ बुया होगा ये। और अभिषेक मम्मी आ गई, उठ जाओ वरना अपना बुया कर देगी अभी। हाँ मम्मी बोलो। हाँ क्या बोलना मम्मी? तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैं कब से आवाज दे रही हूँ नीचे से, बाजार जाना है, सब्जी लानी है। अभिषेक उठ जा, कब से गेम खेल रहे हो सालो, तुम्हारे पापा सही बोलते हैं, मैंने सिर चढ़ा के तुम्हें बिगाड़ दिया, ज्यादा बाजार जाके अब सामान लाओ कुछ। हाँ जा रहे हैं मम्मी, जा रहे हैं। अब देख गोरो आगे, देख वो लड़की कॉलेज वाली, वही वाली, रोक रोक गाड़ी रोकना, देख क्लास में मिली थी हमें। हेलो। अबे हाँ अभिषेक, ये तो वही लड़की है। हेलो हेलो, तुम तो वही है ना कॉलेज वाली? तो तुम कॉलेज से मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? मेरे पापा को बोल दूंगी मैं तुम्हारे बारे में, कि तुम मुझे कॉलेज में भी छेड़ते हो, यहाँ पर भी छेड़ते हो। अरे अरे अरे, क्या बोल रही हो, हम तो रास्ते से जा रहे थे, हमें क्या पता तुम्हारा घर यहाँ पे। हाथ मत लगाओ मुझे, अभी रुको मैं मेरे पापा को बुलाती हूँ। पापा पापा, बाहर आइए, नहीं लड़की मुझे छेड़ रहे हैं। अबे कौन है भाई मेरी लड़की को छेड़ रहा? बेटा कौन है ये? तो साले ये लौंडे छेड़ रहे, सालो मेरी लड़की को छेड़ते हो, ये लो साले ये लो। अंकल आपकी लौंडिया है ही इतनी बढ़िया, छेड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? रुको साले, कहाँ भाग रहे हो, अभी बताता हूँ तुम्हें मेरी लौंडिया कैसी। सालो रुको रुको, अगर आइंदा से नजर आ गए ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम दोनों की मैं। बेटा कृतिका, तुम भी ऐसे रोड पर खड़ी मत होया करो, आजकल के लौंडे साले खराब हैं। अरे याद आया, सुनो बेटी मैं जानता हूँ ये किसके लौंडे, अभी फोन करता हूँ उसे। हेलो, हाँ हेलो सुरेश जी, आपके लौंडे सारे आम मेरी बेटी को छेड़ रहे हैं, अगर आइंदा से छेड़ते हुए उन्हें देख लिया तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा मैं, सुधार लो उन्हें। इन दोनों नालायकों को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। साले मेरे पुराने दोस्तों के फोन आ रहे हैं कि मेरी लड़की को छेड़ रहे हैं, आज तो इन छोड़ूंगा नहीं कमीनों को, ज्यादा सिर चढ़ के बैठ गए, ज्यादा पैसे कमा के दे दिए इनको मैंने। हेलो पुष्पा, तो पुष्पा तुम यहाँ पे सो रही हो, और तुम्हारे बेटे ये क्या कारनामे कर रहे हैं, बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं मेरे वो। अजी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना, क्या कर दिया उन दोनों ने आज भी? पता है तुम्हारे लाडलों ने क्या किया आज, मेरे पुराने दोस्त की लड़की को छेड़ रहे थे, अब छोड़ूंगा नहीं मैं आज उन्हें। कहाँ है वो नालायक साले, यहाँ नीचे भी देखता हूँ, सालों को आज छोड़ूंगा नहीं, यहाँ भी नहीं है, ऊपर ही होंगे साले, आज इनकी तो शामत नहीं, ये गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, आज इनको गेम मैं बनाता हूँ, सालो उठो साल। अरे पापा पापा, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों मार रहा हूँ मैं पापा? सॉरी सॉरी, क्या हो गया हमसे, गलती क्या हुई? नहीं नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारी माँ ने और हमने गलती कर दी तुम्हें पैदा करके। सालो रुको, साले खिड़की कूद के भाग रहे हो,
तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लोगों की लड़कियां छेड़ रहे हो, लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि पुलिस को फोन कर देंगे, तुम आ जाओ शाम को घर, तुम्हारी खैर नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। पुष्पा पुष्पा अपनी औलाद को समझा लो, खिड़कियां कूद कूद के भाग रहे हैं साले, आज मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी औलाद को समझा लो, पूरा सिर चढ़ा के इनको बिगाड़ दिया है, लोग बाग शिकायत कर रहे हैं, और ये पबजी खेलना बंद करा दो इनका, बिगड़ गए हैं, कितनी अखबारों में न्यूज आ रही है पबजी खेलने वालों की, तुमने सुना नहीं अखबारों में क्या आता है कि भाई पबजी खेलने वाला ना आज किया इसका मर्डर। अजी आप चिंता मत कीजिए, हमारे बेटे पबजी नहीं फ्री फायर खेलते हैं, फ्री फायर की अखबारों में न्यूज नहीं आती कभी भी कि आज इसने मर्डर कर दिया। अब आप जाइए मुझे सोने दीजिए। पुष्पा सुबह हो गई, उठो पुष्पा उठो, सुबह हो गई, हमने बहुत फ्री फायर खेल लिया रात को, मैंने बहुत सी गोलियां मारी और तुमने बहुत सी गोलियां खा ली, अब लेकिन अब काम पे जाना है, बुलाओ अपनी औलाद को, नीचे बिगड़ी हुई साली औलाद, काम है मुझे उनसे आज, जल्दी जाओ। अजी जा रही हूँ ना मैं, शांत भी हो जाइए आप। बेटा गौरव अभिषेक उठो उठो बेटा, सुबह हो गई है, अभी तक सोए हुए हो तुम, अभी तुम्हारे पापा आ जाएंगे ना अभी ऊपर, उठो वो तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें कुछ काम है। बेटा कल के लिए सॉरी मांग लेना अपने पापा से और जाओ जल्दी नीचे, वो बुला रहे हैं। हाँ अभिषेक आजा, पापा से सॉरी मांग लेते हैं। ओ तो उड़ गए लार सब, आइए इधर। हाँ पापा सॉरी, आइंदा से किसी को नहीं छेड़ूंगा मैं, कल के लिए सॉरी पापा, माफ़ कर दो, आइंदा से मैं किसी को नहीं छेड़ूंगा। हाँ हाँ बेटा तुम्हें माफ़ किया मैंने, आइंदा से ध्यान रखना, लेकिन वो एक लार साहब और कहाँ हमारे अभिषेक जी, अभिषेक इधर आओ, अगर आइंदा से ऐसी गलती की ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं, तुम दोनों को मार मार के गांड लाल कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है अभिषेक तुमसे, तुम है ना मेरे साथ चलो, हमें कहीं पे चलना है, आ जाओ कुछ जरूरी काम है। बेटा अभिषेक हमें चलना ब्राजीलिया, अगर तुम कोई शॉर्टकट रास्ता पता हो अभिषेक तो मुझे बता दो, उधर से चलते हैं, है ना, बता दो। हाँ पापा मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है पहाड़ी के ऊपर से। हाँ पापा इधर से चलने दीजिए, हम जल्दी ब्राजीलिया पहुँच जाएंगे यहाँ से, मुझे पता है रास्ते का, इधर से सीधा चलने दीजिए। बेटा अभिषेक ऐसा करता हूँ मैं गाड़ी को नीचे रोड पे ले लेता हूँ, है ना, और बेटा बेटा गाड़ी के ब्रेक नहीं आ रहे, बेटा गाड़ी के ब्रेक पे लगे, बेटा उतरो गाड़ी से, उतरो बेटा डाक जाओ। अरे नहीं, जैसे ही अभिषेक और उसके पिताजी का एक्सीडेंट होता है तभी उनकी मृत्यु हो जाती है वहीं पे गाड़ी में आग लगने की वजह से, और गौरव के पास कॉल आता है कि भाई आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो चुका है और उनके दोनों की जान चली गई है उस एक्सीडेंट में। ये बात सुन के गौरव को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो अपनी माँ को बिना बताए अपनी गाड़ी लेकर वहाँ रोड पे चला जाता है जहाँ पर उसके पिताजी का और उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ, और उसे बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है इस बात से कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, और वो बहुत गम में होता है उस वक्त, अपनी माँ को भी वो नहीं बताता कि भाई एक्सीडेंट हो चुका है। उसी दिन शाम को जब कोई घर पे नहीं आता तो गौरव और अभिषेक की माँ ये इंतज़ार करती रहती है कि मेरा पति और मेरे बेटे घर पर क्यों नहीं आए, तो तभी गौरव आता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ आप गेट पे मत खड़े होइए, आप अंदर चलिए, मुझे आपको कुछ ज़रूरी सीरियस बात बतानी है जो मैंने आपको नहीं बताई। और गौरव अपनी माँ को बताता है कि माँ पिताजी और भाई का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी जान चली गई और उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, और मैंने उनको श्रद्धांजलि भी दे दी और आपको मैंने कुछ नहीं बताया। तो ये बात सुनकर उसकी माँ को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो बहुत ही गम में चली जाती है। तो गौरव सोचता है ऐसे तो माँ को कुछ हो जाएगा, तो वो अपनी माँ को अब दिलासा देकर मना लेता है कि माँ आप चिंता मत कीजिए मैं अभी ज़िंदा हूँ। तभी गौरव की माँ बोलती है, बेटा मुझे कम से कम ये तो बता देते कि तुम्हारे पिताजी का और तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो चुका है। और उसकी माँ बोलते बेटा अब हमारा क्या होगा, तो तभी गौरव बोलता है, अभी माँ मैं ज़िंदा हूँ, मैं इतना काम करके इतनी मेहनत करूँगा और हमारा गुजारा चला लूँगा। उसके बाद ही गौरव एक बिजनेस स्टार्ट करता है जिसमें बर्मुडा और बुगेटी की जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ हैं उन्हें वो रिपेयर कराकर बिल्कुल एकदम टनाटन कराकर लोगों को बेचता है। भाई साहब आप गाड़ी देख लीजिए, अगर आपको दोनों तीनों गाड़ियों में से अगर कोई सी भी गाड़ी आपको पसंद आए, जैसे कि ये जीप आपको बढ़िया पड़ेगी, आप इसे टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं,
बहुत ही अच्छी गाड़ी है सर, आप इसे एक बार टेस्ट ड्राइव करके आ जाइए और आपको अगर पसंद आए तो मैं आपको इसे कम रेट में दे दूंगा सर। अगर आपको पसंद आए तो आप बता दीजिए। तो सर आप बता दीजिए आपको कैसी लगी गाड़ी। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी तो आपको मैं कम दाम में दे दूंगा, 20,000 में आपको मैं ये गाड़ी दे दूंगा सर। हाँ भाई साहब, मुझे ये जीप पसंद आई, मैं ये जीप लेना चाहूँगा, तो ये लीजिए आपके कैश पैसे नगद 20,000 रुपये और मैं अब ये गाड़ी लेके जा सकता हूँ। हाँ भाई साहब, आप अभी ये जीप लेके जा सकते हैं, आज से ये जीप आपकी, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं सर। ऐसे करते करते धीरे धीरे गौरव का बिजनेस चलने लगा। उसकी रोज़ 1 से 2 गाड़ियाँ रोज बिक जाया करती थी, उसके पास रोज़ नए कस्टमर आते थे और वो उन्हें अपनी गाड़ियाँ चेक करा कर उन्हें सर पूरा संतुष्ट कर कर भेज देता था कि अगर आपको ये गाड़ी पसंद हो तो आप ले सकते हैं और आपको ये कम दाम में मिल जाएगी और अगर कोई भी गड़बड़ हो तो आप मुझे इससे वापस ला कर दे सकते हैं, मैं उसको ठीक करके आपको वापस दे दूंगा। तो ऐसे अभी गौरव के कस्टमर बढ़ चुके हैं। एक दिन क्या होता है कि वो वापस अपने घर जाता है तो उसे रास्ते में उसका एक दोस्त मिलता है। और मेरे भाई विक्रम यार, कैसे बहुत दिनों बाद मिला मेरे भाई यार विक्रम। अबे गौरव यार, तू कहीं दिखाई नहीं देता आजकल, बहुत दिनों बाद मिले हम तो, तू तो दिखना ही बंद हो गया, जैसे कोई हुसन की परी हो कभी कभी दिखाई देती है वैसे दिखाई देता तू यार। ऐसा करते हैं कहीं क्लब चलते कल, है ना, आज मिलें कहीं घूमने चलेंगे कल, ठीक है, मिल जाएगी। भाई विक्रम सॉरी यार, लेकिन मैं तेरे साथ कहीं नहीं चल सकता, मैं एक सीधा साधा बंदा बन चुका हूँ, वैसे मैंने सारे शौक छोड़ दिए, तो भाई यार माफ़ करना, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। बाय बाय भाई, मेरे को घर जाना है, ठीक है, तू भी अपने घर जा।